अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। उम्मीद है कि आपका कल का दिन अच्छा गुजरा होगा। कल बारिशें हुई थी कराची के अंदर, सो आई थिंक मौसम जो है थोड़ा सा बेहतर हो गया है। सुनने में आ रहा है कि आज भी होंगी, सो लेट्स उम्मीद है कि अच्छा रहे, कराची डूब ना जाए पानी के अंदर। बखैर, द वेदर इज़ गेटिंग मच बेटर, सो इट्स सम रिलीफ क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी। तो वैसे आज हमारी जो रेसिपी है, दिस इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी एक ऐसी स्टेपल रेसिपी है जो हमारे घर में बनती रहती है, लेकिन द ट्विस्ट इज़ इसको हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल। तो दिस इज़ दाल पालक एंड ज़ीरा राइस, लेकिन ढाबा स्टाइल। तो सो किस तरह बनाते हैं, अगेन रेसिपी वेरी ईजी है, जिस तरह हम लोग नॉर्मली घर में दाल बनाते हैं, जस्ट अ लिटल बिट ऑफ चेंजेस एंड यू कैन गो फ्रॉम होम मेड स्टाइल टू स्ट्रीट स्टाइल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको ये बताकर कि जो हम लोग दाल बनाएंगे उसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी, एक तो हमारी दाल है और हमारे पास पालक है। तो पालक तो हम लोग ब्लांच करके रख देंगे अभी, विच इज़ नॉट एन इश्यू, और दाल जो है क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसको हमने पहले से बॉईल करके रख दिया है, इट्स फुली रेडी। अब इसको हम लोग से थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसके अंदर मसाले वसाले, और इसको अच्छे से एक दफ़ा जान देकर उसको हम लोग रेडी करेंगे। तो इसको हम लोग ज़रा बाद में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट डन एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक लॉन्ग। हम लोग अभी क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपने ज़ीरा राइस बना के रखेंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास तकरीबन यहाँ पे डेढ़ से दो कप जो है राइस जो है वो यहाँ पे मैंने पहले से सोख करके रखे हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आप पहले से सोख करके रख लेते हैं उसको सही से धोकर। और इसके अलावा जो है अभी जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर ऑयल डालकर फिर हम लोग डालेंगे हमारी कुछ इन्ग्रीडियंट्स। देयर वी आर। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, नॉट अ लॉट। और इसके अंदर जो है हमारे पास अब सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो हमारे पास ये है जो है ज़ीरा, विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। तो हम लोग ज़ीरा तो फॉर श्योर डेफिनेटली डालेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो तीन इंग्रेडिएंट्स और हैं, और वो हैं एक तो हमारे पास बेलीस यानी कि तेज़पत्ता, जिसको भी हम लोग अंदर डाल देते हैं और ये आराम आराम से गर्म होता रहे, वरना फिर इट्स गोइंग टू स्टार्ट पॉपिंग एवरीवेयर। दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक्स, थोड़े से लौंग और थोड़े से हमारे पास छोटी इलायची, इसको भी हम लोग अंदर डाल देते हैं एक दफ़ा। ज़रा यहाँ पे चम्मच भी ले आते हैं। ओके, तो जब तक इसको हम लोग मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा पहले ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा का जो फ्लेवर है वो एक्चुअली हल्का सा या तो क्रश होने के बाद या फिर रोस्ट या फिर फ्राई होने के बाद उसका जो एक्चुअल फ्लेवर होता है वो निकलता है। और उसको मैं इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, उसको मैंने बिल्कुल डार्क नहीं करना है, जस्ट अ लिटिल बिट। और ऑलरेडी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई, इट वर्क्स दैट फास्ट। और उससे पहले कि अब यहाँ पर चूल्हा ज़्यादा गर्म हो जाए, पानी डालने का मकसद ही यही है कि वो बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। खैर, दिस इज़ अ बिट हैवी, इसलिए इसको मैंने तो निकाल दिया, छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इसको डाल देती हूँ वापस विद ए स्पून। तो वैसे हम लोग कभी कभार ये भी करते हैं कि हम लोग पहले चावल बनाकर बॉईल करके उसके बाद फिर उसको ज़ीरे का बघार दे देते हैं। यू कैन डू दैट इफ़ दैट्स अ रेसिपी यू फॉलो, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा बहुत पुलाव स्टाइल या फिर जो तहरी स्टाइल होता है कि इसको हम लोग राइस को उसके साथ ही बना के रख देते हैं, और वो जैसे जैसे पानी खुश्क होता रहता है वो साथ में हर चीज़ पका के रख देता है। सो दैट इज़ द मेथड वी आर फॉलोइंग राइट नाउ, लेकिन अगर आप उस तरह भी करना चाहें, इफ़ दैट्स ईजियर फॉर यू, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं, नो पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, तो ये आ गया है यहाँ पे, इसको अब मैं साइड पे रख के बस इस बोल को क्लियर आउट कर दूँगी, और इसके बाद फिर हमारे चावल जो हैं वो आराम से होते रहेंगे। इनके ऊपर एक नज़र रखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाएं और बहुत ज़्यादा अंडर कुक्ड भी ना रह जाएं। मीनवाइल फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक पतीले के अंदर जो हमारे स्पिनच है उसको ब्लांच करके रख देंगे अच्छे से। लेकिन हमें यहाँ पे सारी इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रही हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव एडेड इन आवर पॉट। अब इसके अंदर आपको अगर पानी मज़ीद डालना हो तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ वैसे, अ लिटिल बिट ऑफ वाटर बस। और इसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू एड इन मोर वाटर फॉर दी एक यहाँ पे मेरे पास पॉट है,
ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे क्योंकि इसको अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पालक को ब्लांच करना है। ब्लांचिंग का मतलब यह है कि आपने गर्म पानी के अंदर या बॉइलिंग पानी के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट को आपने 1 से 2 मिनट तक अंदर डालना है ताकि वो जल्दी से बस कुक हो, और उसके बाद फिर फ़ौरन उसको कोई ना कोई ठंडे पानी में या आइडियली बर्फ़ के पानी के अंदर डालना ताकि वो कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन रुके और वो मज़ीद ना पकता रहे। तो जब ये बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो सारा स्पिनच है, एक तो स्पिनच की ये चीज़ है कि नंबर वन दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है, वो वंस यू स्टार्ट कुकिंग इट तो वो फ़ौरन ही श्रिंक करता है। तो दिस इज़ इनफ फॉर दिस बोल। और जब तक ये गर्म हो रहा है लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वी विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू यस शेफ, आपका फेवरेट शो ऑन डॉन न्यूज़ दैट आई एम श्योर ऑफ। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं विद आवर रेसिपी। यहाँ पर हमने ब्रेक में से पहले हमने क्या किया था कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे पापड़ बना के रखा था, बट इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, निकाल कर देंगे बिकॉज इट्स टू अर्ली। और जो बंदा यहाँ पे देख रहे थे ना वो कमरे से भाग गए, तो उसको भी निकाल के रखते हैं, विल मेक मोर फ्रेश वंस बाद में। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था ब्रेक से पहले कि हमने पानी यहाँ पर बॉयल करने रख दिया था क्योंकि हमने ब्लांच करने थे हमारे स्पिनच। स्पिनच इज़ ऑल कुक्ड वॉश्ड कट, उसको हमने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस, बहुत छोटे पीसेस भी नहीं किए हैं, तो मुनासिब नॉर्मल साइज़ के जो हम लोग नॉर्मली काट के रख देते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं अंदर डालकर इसको 2 मिनट के लिए ब्लांच करने देते हैं। वैसे वन थिंग, इफ़ यू आर वर्किंग इन द किचन ना, चाहे आप चाहें या ना चाहें, यू एंड अप बिल्डिंग मसल, क्योंकि यहाँ पे काम करना इतना आसान काम नहीं होता, एंड यू डू एक्चुअली एंड अप लिफ्टिंग हैवी थिंग्स। ओके, तो अब जो है इसको मैं बिल्कुल आराम से सिर्फ अंदर सबमर्ज करके 1.5 मिनट से 2 मिनट्स तक उसको सिर्फ यहाँ पे बॉयल आने दूँगी अच्छा सा, और उसके बाद फिर इसको मैं निकाल दूँगी। रीज़न बीइंग कि इसका कलर जो है थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो जाएगा और साथ ही साथ ये कुक भी हो जाएगा जितना हमें करना है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि पालक है तो ये थोड़ा सा श्रिंक भी करेगा। तो उसके बाद फिर आप चाहें इसको निकालने के बाद आप उसको या तो ठंडे पानी के साथ रन कर लें या फिर उसको बर्फ़ पानी में डाल लें, तो उससे ये होता है कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और जो यहाँ पे खूबसूरत सा एक वाइब्रेंट ग्रीन कलर आएगा आपकी येलो कलर की दाल के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको बल्कि अभी यहाँ पर निकाल के रख देते हैं, इट्स प्रीटी हॉट टू। और 2 मिनट के लिए उसकी आँच हम लोग तेज़ कर देते हैं, यहाँ पर बनता रहे, मेकिंग श्योर कि ये सारी चीज़ें पूरा ही अंदर सबमर्ज हो, ये भी। तो हम लोग दाल जो है, क्योंकि राइस तो हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है और राइस तो हमने प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर बना दिया था कि एक ही पैन के अंदर सारी चीज़ें हमारी रेडी हो जाएंगी। फॉर द दाल, दाल के अंदर इसको हमने 2 हिस्सों में ब्रेकअप किया हुआ है। एक तो हम लोग यहाँ पर अपना जो पालक है उसको तैयार करेंगे तमाम मिक्सर्स के साथ, और इसके बाद फिर हम लोग दाल को भी अलग से बना के रखेंगे, एंड इन द एंड ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी, फिर एक मज़ेदार सा तड़का लगा कर देंगे उसके अंदर। उसके अंदर जो खुशबू आएगी नो डाउट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली नाइस। तो वैसे यू कैन मेक दिस दाल डिफरेंट तरीके से भी, कुछ लोग चने दाल के साथ उसको शौक से खाते हैं। ये जो है हम लोग यहाँ पे वाइट दाल या फिर जो मूंग की दाल होती है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट इफ़ यू वांट कि आप कोई भी और अपनी पसंद से डालना चाहें यू कैन डू दैट, और इस तरह आपकी दाल के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस भी आ सकते हैं, सो दैट इज़ अप टू यू। ओके, अब क्योंकि ये अच्छा खासा अंदर थोड़ा बहुत पका भी है तो इसका वज़न जो है, जिसका इनफैक्ट वॉल्यूम है, वो अच्छा खासा कम हो रहा है, एंड प्रोसीडिंग फोर्थ। अच्छा, वन थिंग ये है कि हम लोग दाल चावल जो है ना, आई थिंक कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो खाते ही खाते हैं एवरीवन, इट्स अ वेरी गुड स्टेपल। वहाँ पे इसके अंदर खासियत ये है कि दाल पालक या फिर दाल एंड चावल जो हैं वो डाइट्री फाइबर्स में बहुत रिच होते हैं, यानी कि आपको खाने के बाद बहुत जल्दी भूख नहीं लगती और आपको काफ़ी टाइम तक फुल रखते हैं, तो यू डोंट फील वेरी हंग्री कि आपको थोड़ी देर के बाद में फिर खाना पड़े। उसके अलावा जो है, क्योंकि स्पिनच हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स अ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, का मतलब ये है कि इसके अंदर विटामिन के जो है
वो अच्छा खासा है. और ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि 80s या 90s के जो किड्स हैं उनको कोई भी मसला होता है स्पिनच खाने में. रीज़न बीइंग क्योंकि वी ऑल ग्रू अप वॉचिंग ए पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर जिन्होंने सिखाया था कि भाई अगर आप पालक खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप दुनिया में जो काम करना चाहें करें. इस वजह से शायद मैंने भी पालक खाना शुरू किया था. मैंने भी मामा के पास गई थी कि मामा मैंने जो है ना आज से पालक खाना है. और रीज़न भी है क्योंकि वो मेरा कार्टून कैरेक्टर जो है वो खाते थे एंड ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हीरोइक और मैंने भी कुछ ऐसे ही बनना था. सो ये जो है वैसे अच्छा पालक और दाल के अंदर डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जल्दी से लोगों बच्चों को भी खिला सकते हैं. बिकॉज नॉर्मली पालक खाना शायद इतना अट्रैक्टिव ना हो लेकिन जब आप चीज़ों के साथ मिला देते हैं तो फिर वो खाना आसान होता है. ओके, अब मैं इसको मज़ीद और नहीं पकाऊंगी. 2 मिनट्स आर अप. इसको चूल्हे को बंद करके इसको भी हल्का करके बल्कि एक चम्मच यहाँ पर चलाकर तो यहाँ पे पानी इट्स ऑलमोस्ट कुक बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ रह गया है. तो अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे करके अब 2 मिनट के यहाँ पर छोड़ दूँ जब तक इसको पहले ड्रेन आउट कर लें वरना इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो. दिस इज़ हॉट एंड लेट मी सी यहाँ पर है ना. यस तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर स्ट्रेन आउट कर रही हूँ एंड ओके तो इसको स्ट्रेन आउट मैंने कर दिया है. अब मैं बाकी पीसेस भी इसको वैसे ब्रेक में निकाल लेती हूँ क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है और कहीं मत जाएगा बिकॉज आफ्टर द ब्रेक वी विल कम बैक एंड प्रोसीड विद आवर रेसिपी और इंशाल्लाह एक मज़ेदार सा एस्पेक्ट होने वाला है. सो डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टे ट्यून्ड आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम लोग यहाँ पे अपना स्ट्रीट स्टाइल दाल पालक बना रहे हैं. द राइस इज़ डन. इसको बल्कि ऑफ कर देती हूँ मैं एंड अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट गेट स्टार्टेड ऑन द दाल. तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 2 हिस्से होंगे. सबसे पहले हमारे पास जो दाल वाला एलिमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाएगा एंड वो है भी सबसे छोटा. तो लेट्स स्टार्ट विद दी पालक फर्स्ट. जो ब्लांच पालक थी वो हमने यहाँ पे इसको वापस से एक बोल में निकाल के रख दी है एंड अच्छा खासा पहले उसकी वॉल्यूम थी. अब जो है इट्स नॉट इवन 50% ऑफ व्हाट इट वाज. पहले पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, अब ये शायद 50 से भी कम है क्योंकि यहाँ पे हल्की सी जगह खाली है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपनी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं. लेट्स ऐड सम ऑयल एक पैन के अंदर. ओके, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी बाकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सीजनिंग्स हैं, स्पाइसेस हैं, वो डालते हैं. लेकिन पहले इसकी ज़रा आँच थोड़ी हल्की कर दें. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं. नंबर 1 क्यूमिन डालेंगे, 1 टीस्पून ऑफ क्यूमिन. उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड्स, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ईच. उसके बाद फिर हम लोग डाल लेंगे फौरन ही थोड़ा सा लहसुन अदरक. और जब ये सारी इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे स्पिनच. तो इसको ज़रा एक दफ़ा जल्दी से चम्मच यहाँ पे चलाकर ताकि अच्छा सा इसका एक फ्लेवर रिलीज़ हो जाए. उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट. आप पेस्ट भी डाल सकते हैं या क्रश भी डाल सकते हैं. राइट नाउ मेरे पास यहाँ पर फाइनली डाइस्ड है. ओके, फाइनली डाइस्ड हमने यहाँ पर डाल दिया है. थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी निकाल देते हैं. ओके, अब इसके अंदर जब ये कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा तो सारा हमारा पालक डालकर अंदर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. चलें जब तक ये हो रहा है क्योंकि हमें पालक निकालने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेम्स उसके अंदर रह गए थे, इसको निकाल देते हैं एंड इसको पूरा आराम से उठाकर वी आर गोइंग टू ब्रेक इट अप ताकि यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड हो जाए. इट्स ईजियर टू मिक्स एज वेल. थोड़ा सा इसके अंदर पानी है बट दैट्स नॉट एन इशू. इनफैक्ट बल्कि अच्छा ही है क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करना है इसके अंदर. अब इसको सारा समेट कर ये सब अंदर डाल देते हैं, मेकिंग श्योर टू गेट एवरी पार्ट ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो. और इसका काम तो हो गया, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर इस बोल को यहाँ से हटा देते हैं. तो अगर आप इसको अपने अपने घर में बनाएंगे यू कैन एक्चुअली स्मेल दी अरोमास एंड इट्स रियली नाइस. इसको अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा खोल कर उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे हमारी बाकी सीजनिंग्स विच इंक्लूड
थोड़ा सा नमक डालना डलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वो डालेंगे ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डालेंगे एंड ऑफ कोर्स ए वेरी एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट जिसको हम लोग कहते हैं सिनेमन पाउडर जो यहाँ पे रखा हुआ है. सो अबाउट 1 teaspoon ऑफ सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट एज ऑलवेज एज नीडेड. और याद रखना है कि क्योंकि पालक के अंदर भी इट्स नेचुरली सॉल्टी तो उसके अंदर सॉल्ट थोड़ा सा कम करके डालना है, बिकॉज अगेन दाल में भी हल्का सा डलेगा. इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर विल एड इन द मेन इंग्रेडिएंट. एक और है हमारे पास विच इज़ गोइंग टू गिव इट अ नाइस सिट्रसी थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा आपको एक टैंजी टच भी देगा एंड दैट इज़ द ग्रीन चिली का पेस्ट. तो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट हमें तकरीबन 1 to 2 tablespoons मैक्स इस्तेमाल करेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोग बना के रख लें एंड आइडियली ट्राई टू मेक इट एज लेस रनी एज पॉसिबल. अगर आपको वैसे जो पेस्ट है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो, थोड़ा सा रनी हो, तो आप उसको ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि लिक्विड होने से वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ हुआ होता है. यू कैन एड इन अ लिटिल बिट मोर. तो वैसे इसके अंदर हम लोग द रेसिपी के अंदर 1.5 tablespoon डाल सकते हैं, बट क्योंकि इसके अंदर पानी ज़्यादा है कंटेंट, तो इसके अंदर मैंने इसको डबल कर दिया है टू ट्राई एंड बैलेंस आउट द फ्लेवर एंड रेशियोज़. ओके, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद फिर अब ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समेट के रख देते हैं ताकि मैं आगे मज़ीद बता सकूँ कि इसको हम लोग सर्विंग किस तरह करेंगे. ये तो हमारी दाल है यहाँ पे और इसके बाद फिर हम लोग गार्निशिंग के लिए 2 चीज़ें साथ रखेंगे. एक तो हमारे पास जो घर में हर जगह अवेलेबल होता है अचार है, थोड़ा सा कचूमर सैलड भी बनाएंगे, कुछ पापड़ भी फ्राई कर रहे थे हम लोग और मज़ीद करेंगे. लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ द पालक ऑफ द रेसिपी. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. एंड अभी जो है हम लोग यहाँ पे ब्रेक से पहले तमाम हमारी जो पालक थी उसको बना रहे थे. इट्स ऑलमोस्ट डन क्योंकि अगेन पालक जब पकाते हैं तो वो अपना पानी ज़रूर छोड़ती है एंड वी जस्ट वेटिंग फॉर द वाटर टू ड्राई अप बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. लेकिन साथ साथ वी आर गोइंग टू साइमल्टेनियसली वर्क ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कि हम लोग यहाँ पे जो दाल है उसको हम लोग बनाते हैं. लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो पहले से प्री बॉयल्ड यानी कि प्री कुक जो हमारे पास यहाँ पे दाल माश थी उसको हमने बना के रख दिया था एंड अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर, बल्कि इसके अंदर ऑलरेडी है थोड़ा सा. व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि वी आर गोना ऐड इन सम टोमेटो पेस्ट. सो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट टू गिव इट इनफ कलर इनफ फ्लेवर. दिस इज़ अबाउट 1 proper फुली हीप्ड टीस्पून. और वैसे आपके पास रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है. लेट्स ऐड सम. सो कीप इन माइंड कि टोमेटो पेस्ट बंदर डालेंगे तो उसका कलर हल्का सा डार्क ज़रूर होगा, तो बी वेरी केयरफुल कि आप कितना डाल रहे हैं. एंड अगेन द क्वालिटी ऑफ द टोमेटो पेस्ट ऑल्सो डिपेंड्स. कुछ कभी कभार बहुत डार्क होते हैं तो आपको थोड़ा सा कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप उसको फ्रेश डाल लें क्योंकि फ्रेश का कलर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता. ओके, अब इसके अंदर हम लोग हल्का सा पानी डाल देंगे बिकॉज इट्स गेटिंग अ बिट थिक एंड वी हैव सम टाइम. तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है. अब क्या करेंगे हम लोग कि जब तक ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर हल्का सा पानी वानी डाल चुके हैं हम लोग, हमने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी अंदर डाल दिया था. अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज़ अगेन इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके थे, जस्ट ए लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. This was about 1/2 teaspoon या फिर टू टेस्ट. रेसिपी कार्ड आपकी स्क्रीन पर वैसे एक दफ़ा प्ले हो रही होगी तो यू कैन टेक नोट एंड यू कैन ऐड हैव अ लुक एंड ऐड रीकैप कि हमने तमाम रेसिपी में अभी तक क्या किया था. तो ये तो हमारे दाल के एलिमेंट्स हैं. वंस इसका भी पानी पूरा खुश्क हो जाएगा जो ऑलमोस्ट हो ही गया है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पालक को जो है वो इस दाल के अंदर डालकर उसको एक दफ़ा फिर से सही से मिक्स करके पका के रख देंगे एंड देन हमारी दाल कंप्लीट हो जाएगी. फिर उसके अंदर जो सारी एक ही चीज़ बचेगी दैट इज़ गोइंग टू बी द प्लेटिंग द गार्निशिंग एंड ऑफ कोर्स योर दाल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ बघार, तो आपको वो भी देना पड़ेगा. लेकिन लेते हैं ज़रा अभी एक छोटा सा ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी. ये ढाबा स्टाइल दाल पालक जो है, पता नहीं क्यों मैं उसको मैं दादा कह रही हूँ कल से, लाइक मर्ज एवरीथिंग, दिस इज़ रॉन्ग विद जेन ज़ी, मर्ज एवरीथिंग, एब्रीविएट कर दें हर चीज़ को. लेट्स गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं एंड लेट्स यूज़ फुल फॉर्म्स देयर.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ये मोस्ट प्रॉबली हमारा आखिरी सेगमेंट है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम. तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने दाल पालक बनाई है उसको हम लोग यहाँ पे पालक को अंदर डालकर उसके बाद फिर उसको एक दफ़ा अच्छे से एक मिक्स करके रख देंगे, बल्कि इसको जल्दी जल्दी से निकाल के रख देते हैं. लेट्स जस्ट एड इट ऑल इन एक दफ़ा में ही. ओके, अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी एंड दैट इज़ दी गार्निशिंग, द प्लेटिंग, द बघार. तो ये सारा हमने करना है. इसको निकल एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दें एंड वी डोंट नीड टू एड मोर वाटर इसमें. बस इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करना है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक पैन के अंदर ऑयल एंड बटर भी डाल के रखते रहें ताकि वो गर्म हो जाए. तो यहाँ पे हमारे पास बटर है, तो यूजिंग अबाउट 2 tablespoons ऑफ बटर. और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे बिकॉज बटर बर्न्स और उसको हमें जलाना नहीं है. थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल. और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. मीनवाइल जब तक हम लोग यहाँ पे इसकी गार्निशिंग भी करेंगे, यहाँ पे लेट्स सी कि हमारे पास, क्योंकि दाल चावल के साथ कोई ना कोई साइड डिश होनी ज़रूरी है. और इसके अंदर हमने क्या क्या रखा है, वहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें रखी हुई हैं. नंबर 1 हमने यहाँ पे पापड़ रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास अचार है, कचूमर सैलड है, यहाँ पे फ्राइड ग्रीन चिलीज़ हैं, वरना जो रेड चिलीज़ भी आपको मार्केट में मिलती हैं फ्राई करने के लिए वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब इसको बस मैं एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे निकालना चाहूँगी. जस्ट वेटिंग कि ये हर तरफ से मिक्स हो जाए पालक के कोई भी क्लम्स ना रहें. एंड आई थिंक दैट इज़ इट. एक दफ़ा ज़रा यहाँ पे भी देख लेते हैं बटर को. बटर इज़ फुली मेल्टेड, ऑयल के साथ मिक्स है तो इट्स नॉट गोइंग टू बर्न. अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा पहले यहाँ पे लेमन जूस जो है वो हम लोग अपनी दाल में डाल लेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट. ओके, अब इसके अंदर बघार के लिए मुझे जो हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास रखा हुआ था, ये थोड़ा सा ज़ीरा यहाँ पर है, थोड़ा सा हमें मस्टर्ड सीड्स भी चाहिए हैं. ओके, तो अभी मैं इसको ज़रा 2 मिनट ही बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले ज़रा दाल को डिश आउट करना चाहूँगी ताकि उसके बाद हम लोग बिल्कुल फ्रेश डाल लें. मीनवाइल हमें हल्का सा वो ज़रा चाहिए होगा, क्यूमिन सीड्स हमारे पास हैं यहाँ पे, मस्टर्ड सीड्स एंड हमें जो फेनुग्रीक सीड्स हैं वो चाहिए. थोड़े सा मस्टर्ड सीड्स एंड फेनुग्रीक सीड्स वो हमें चाहिए होंगी ताकि हम लोग उसके साथ अभी बघार कर दें. तो उसको भी ज़रा यहाँ पे निकाल के रखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक गहरा बोल इस्तेमाल कर रहे हैं. आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहें, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो इसी तरह की वाइट कोई मटेरियल हो, तो उसके अंदर कर सकते हैं. और उसको बल्कि यहाँ पे रख के निकाल देते हैं. सो द थिकर द डीपर द स्प्लैडल द ईजियर इट इज़ टू टेक इट आउट. और उसको यहाँ पे इवनली बैलेंस आउट कर दें. बिल्कुल आखिर में इसके अंदर हमने लेमन जूस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था ताकि एक अच्छा सा सिट्रसी इफेक्ट भी आ जाए, लेकिन इतना नहीं कि वो बिल्कुल खट्टा हो जाए, जस्ट अ लिटिल बिट टू स्लाइटली इन्हांस द फ्लेवर. और इसके बाद फिर अभी हम लोग इस प्लेट के अंदर ज़रा राइस भी निकाल के रख देंगे. तो वैसे इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि राइस हमारा यहाँ पर है. लेट्स जस्ट कीप इट हियर. इसको बाद में अंदर राइस भी निकाल लेंगे. मीनवाइल हमारे यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हैं रखी हुई अलॉन्ग विद सम ग्रीन चिलीज. लेकिन फर्स्ट लेट्स डिश आउट दी लेंटल्स. इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी. यहाँ पे इतना इजी तरीका है अगर आपके पास सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर्ड भी हों, अगर आपके पास रखी हुई हो. इन फैक्ट वॉट यू कैन डू कि अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर दाल भी है, कोई पहले के दिन की रखी हुई है, आपने ज़्यादा बना दी और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसी को वापस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ज़ाया नहीं करना चाह रहे, तो यू कैन गिव इट ए नया लुक. मतलब उसी के अंदर आप थोड़ा सा पालक बनाकर इस तरह करके डाल दें तो क्या होगा कि आपकी वही दाल जो है उसी को आप वापस इस्तेमाल कर लेंगे, नए लुक दे देंगे उसको. और इसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी और आप उसी को ही थोड़ा सा अपसाइकिल कर देंगे. तो यहाँ पर इस ऑयल को एक दफ़ा गर्म करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स, बिल्कुल 1 teaspoon जितना. उसके बाद पे थोड़ा सा हम लोग डालेंगे यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स. और अगेन जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये अच्छा खासा फिर डिस्टरप्ट होगा.
बल्कि इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं, और बिल्कुल एंड में हम लोग फिर यहाँ पे चाहें तो होल ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, या फिर हमारे पास जो राउंड जो क्रश चिलीज़ आती हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना फिर हम लोग जो हमारे पास ब्राउन कलर की आती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल एंड में डालेंगे बिकॉज वी जस्ट वांट टू गिव इट सम नाइस शीन, नाइस कलर। इसकी आँच थोड़ी तेज़ करके एंड टू मेक इट ईजियर टू प्लेट इसको मैं ज़रा निकाल के यहाँ पर रख देती हूँ ताकि नज़र भी आसानी से आ जाए। ओके, जब तक ये गर्म हो रहा है एक काम करते हैं कि यहाँ पे ज़रा राइस भी निकाल के रख देते हैं। हमारे ज़ीरे वाले राइस आर बीइंग ओपन, एक अच्छा सा स्टीम यहाँ पर आया है। लेट्स टेक दिस आउट, देयर वी आर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन एक बिग प्लेटर है ताकि राइस अच्छे से निकाल सकें, गिविंग इट अ गुड मिक्स ताकि इसके कोई भी क्लम्स ना रहें और तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। स्मेल्स वेरी नाइस। ओके, और इसको भी यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। राइस का भी ये तरीका है कि अगर आप इसको फ़ौरन सर्व कर रहे हैं दैट्स गुड, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो बाद में ऑब्वियसली राइस थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आप इसको गर्म करने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर उसको आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो माइक्रोवेव में डिश में निकाल कर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, और उसके ऊपर एक जो किचन टॉवल्स आती हैं उसके साथ आप वो कर दें, किचन टॉवल के साथ उसको कवर करके उसके बाद फिर माइक्रोवेव में डाल दें, क्योंकि अगर राइस को माइक्रोवेव में रखें और वो बहुत गर्म हो जाए तो चांसेस आर कि आपकी जो डिश है वो भी टूट सकती है। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है, अब मैं इसको चूल्हा बंद करके बस 2 मिनट के अंदर इसके अंदर ये डाल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, और इसके बाद फिर इसको मिक्स करके निकाल लेंगे। बस अब इसको हम लोग निकाल देंगे और सीधा इसके ऊपर डालेंगे कि कोई भी चीज़ पीछे ना रहे और अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। सो बिस्मिल्लाह। मीनवाइल यहाँ पे हम लोग बाकी मज़ीद राइस निकाल के रखते हैं। तो ये है चावल को गर्म करने का तरीका, या फिर अगर आप माइक्रोवेव में नहीं कर रहे हैं और अगर आपके पास घर में एक ग्रिल है, एक ग्रिल टॉप आता है डिफरेंट हमारे पास किचन यूटेंसिल्स में, इक्विपमेंट में, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरे पतीले को कवर करके उसके ऊपर रख दें। मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपके राइस जो हैं वो गुड एज़ न्यू हो जाएंगे, बिल्कुल यही तरह की स्टीम आएगी, आपके राइस क्लम्पी नहीं होंगे। और इसके बाद फिर अब हमारी राइस की डिश भी कंप्लीट हो गई है, बल्कि इसको एक दफ़ा यहाँ पे निकाल के सामने ही ला के रख देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। इसको इधर ले आके रख देते हैं, एंड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं तो एक काम करते हैं कि बजाय कि हम लोग चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट करें इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देते हैं। तो हमारे पास हमारा राइस भी रेडी है, हमारे पास हमारी जो कॉन्डिमेंट्स हैं साथ में उसको भी है, बल्कि ये भी हटा देते हैं। लेट्स कीप दिस हियर एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, दिस इज़ व्हाट वी मेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टेबल जो है यहाँ पे भरी हुई है। इट्स एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टेस्ट डिलिशियस, डू ट्राई इट एट होम। हमें इनफैक्ट लाइव कॉल करके हमें फीडबैक दें, एंड इंशाल्लाह वी विल बी बैक टुमारो विद अनदर रेसिपी, अनदर डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।